अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिलिपाइनी डिश लेकर आया हूँ। तो इसे मैं थोड़ा पाकिस्तानी मैंने टच दिया है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने प्योर ऑथेंटिक ओरिजिनल फिलिपाइनी टच में खाना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने पाकिस्तानी टच देना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलें दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊंगा फिलिपाइनी अडोबो, भेड़ वाला गोश्त, बकरे का गोश्त, ठीक है। इसे फिलिपाइनी अडोबो गोश्त कह लें आप, या फिलिपाइनी सिंपल गोश्त कह लें, या फिलिपाइनी मटन कह लें। इसके लिए दोस्तों जो हमें चाहिए, जो एक्चुअली फिलिपाइन के अंदर भेड़ के साथ बनाया जाता है ये गोश्त, लैम के साथ, तो चिकन के साथ भी बनता है। मैंने चिकन के साथ आपको बनाना सिखाया था, मैंने एग के साथ भी आपको बनाना सिखाया था, आज मैं आपको लैम के साथ बनाना सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए जो फिलिपाइन में बनता है सिर्फ वो लहसुन डालते हैं, काली मिर्चें डालते हैं, और वाइट विनेगर डालते हैं, और सोया सॉस डालते हैं, और थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस थोड़ी सी हीक आती है तो उसे ना पसंद नहीं किया जाता। तो आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल में बना रहा हूँ। इसके लिए जो हमें चाहिए, एक मैंने बड़े साइज़ का ले लिया प्याज, 6 जवे लहसुन के लिए है मैंने उसे छोटा छोटा काट लिया है, और रफली मैंने प्याज को भी काट लिया है, और 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है पीसीस में। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है सफ़ेद सिरका, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है सोया सॉस, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च, 4 मैंने लिया है बे लीफ यानी तेज़पत्ता। ये कंपलसरी है, इसे आपने स्किप नहीं करना, इसी से इसका एक खास फ्लेवर आता है, तो आपने ये लाजमी डालना है। 3 से 4 टेबलस्पून हमें वेजिटेबल ऑयल चाहिए, अगर आप घी में बनाना चाहते तो आप घी में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 किलो बकरे का गोश्त लेके उसे मैंने 1 घंटे के लिए पानी डालकर उबाल के रखा हुआ है। मैंने इसलिए उबाला ताकि मेरा ये ज़रा जल्दी कुक हो जाए, ये थोड़ा सा इसमें कसर रह गई है इस गोश्त में, तो ऑथेंटिकली इसे 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये सिमर में पकता है, ये जो फिलिपाइनी गोश्त है सिमर से मराद दम वाली आग में पकता है, 3-4 घंटे पकता रहता है, और मैरिनेशन भी इसकी इतनी ही ओवरनाइट होती है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने इसे 1 घंटा पहले बॉईल करके रख लिया है, ठीक है। अब ये इजीली 1 घंटे के अंदर हमारी ये बन जाएगी, 1 घंटे से 1.25 घंटे में। तो इसे मैं दम वाली आग पर ही बनाऊंगा, सिमर करूंगा इसे। चले से दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। लें जी दोस्तों, मैंने एक देगची रख ली है, एक आप तस्ली वगैरह रख लें, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दी है, वेजिटेबल ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, अदरक और लहसुन। और इसे 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे तेज आंच के ऊपर। नहीं जी दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, 1/2 लहसुन प्याज मैंने डाला हुआ था, इसे तेज आंच के ऊपर मैं फ्राई कर रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर ये गोश्त डाल दें, बकरे का गोश्त 1/2 किलो मैंने उबाल कर रखा हुआ है। और 2 से 3 मिनट ही हम इसे अच्छे तरीके से इसके अंदर भुनेंगे मीडियम लो के ऊपर, मीडियम जो है इसके ऊपर। नहीं जी दोस्तों, 2 मिनट हो गए, 2 से 3 मिनट हो गए, मैंने गोश्त को अच्छे से गैस से भून लिया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे अब लाल मिर्च, नमक और 4 बेलीफ। अगर दोस्तों अगर लाल मिर्च नहीं डालनी तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून के करीब। मैं 1/2 टीस्पून के, मैं मिर्चें ज़रा कम खाता हूँ तो मैं 1/2 टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ। विनेगर डाल दें, सोया सॉस डाल दें, मैंने नमक इस तरह से कम डाला है, सोया सॉस में बहुत नमक होता है, दोस्तों इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 1 मिनट के लिए हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे इसी के अंदर, और फिर पानी डालेंगे। लेंगे दोस्तों
तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने सोया सॉस डाला हुआ था इसमें, विनेगर डाला हुआ था और नमक और लाल मिर्च डाली थी, अच्छे तरीके से भून गया। इसके अंदर अब हम भर के काफ़ी ज़्यादा पानी डाल देंगे, तकरीबन आपने इसके अंदर 1.5 लीटर के करीब पानी डाल देना है, खुला पानी डालना आपने, क्योंकि ये हल्की आंच पे हम ऊपर काफ़ी देर पकने हैं। मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया, अब आपने इसे मीडियम हीट के ऊपर या मीडियम लो के ऊपर 1 घंटे तक पानी 1 घंटे तक इसे पकने दें। पानी जब बिल्कुल 1/4 रह जाएगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे, गोश्त चेक करेंगे और गोश्त में कसर तो नहीं रहेगी। तो मैंने ऑलरेडी से गलाया हुआ है, मैंने आपको बताया था मैंने 1 घंटे से गला कर रखा हुआ है, तो अगर आप इसे एज इट कच्चे ही हालत में पकाएं तो फिर आपने पूरे इसे 3 से 4 घंटे देने सिमर के ऊपर दमली आग के ऊपर। चलिए दोस्तों से ढकते हैं। लेंगे दोस्तों हमारे से जो है फिर पानी गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा से ऊपर ही हो गया, 1.25 घंटा हो गया, मैंने सिमर पे रखा हुआ था। दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा गल गया, ये टूट रहा है ये। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे प्रेशर कुकर में होल बना लें इसी तरह, या इसे आप अगर आपके पास टाइम है तो फिर आपने प्रेशर कुकर के बगैर 4 घंटे इसे सिमर के ऊपर पकाना है, सिमर से मिला के हल्की आंच के ऊपर स्लो कुक करना है, फिर ये उतना ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। अब यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है, आप इसे में थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ दें या सिमर को खुशक कर लें, और ये ट्रेडिशनली चावलों के साथ खाया जाता है, सफ़ेद चावलों के साथ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इसे ज़्यादातर नान के साथ पसंद किया जाता है। तो ये हो चुका है, इसे मैं बंद करूँगा इसकी आग को और मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमारा फिलिपाइनी गोश्त तैयार है, देखें कितना अच्छा और मज़ेदार बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा मेरे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली फिलिपाइन के अंदर इसे सफ़ेद चावलों के साथ खाया जाता है और थोड़ा सा इसे और ड्राई रखा जाता है। तो मैंने इसे पाकिस्तानी स्टाइल में बनाया है और वो काली मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें इस्तेमाल की हैं। अगर आपको तेज़ लाल मिर्चें पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, सुबह सुबह नाश्ते में ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कोई ख़ास स्पाइसेस नहीं है, गिनती के चंद एक चीज़ें इसमें हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़ेदार और अच्छा लगता है। तो चलें दोस्तों मुझे इजाज़त है, मेरा एक दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, जल्द आप इस टेक केयर।